हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ अच्छे होंगे। मैं पूनम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू वीडियो। और फटाफट से चलते हैं हम रूही मंडी। मैं अभी खड़ी थी पार्किंग में ही, और अब मैं आ गई हूँ रूही मंडी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक्सेसरीज आई हुई हैं, ज्वेलरी हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज यहीं का वीडियो कवर करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ एक्सेसरीज़, जो बच्चों की क्लिप्स होती हैं वो भी मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, और जो हम जूड़े के ऊपर साइड में लगाते हैं वो सब मिल जाएगा, जूड़ा मिल जाएगा, हेयर बैंड्स मिल जाएगा। और जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग ना क्लिप्स चल रही हैं, क्रैचर्स चल रहे हैं, जो बटरफ्लाई शेप के होते हैं, जैसे आपको मीशो पे भी मिल जाएंगे। मैंने ये मीशो पे ना कुछ 250 के अप्रॉक्स देखे हैं, और भैया ने मुझे सिर्फ 50 या 60 रुपीज़ के बताए हैं। बाकी आपको यहाँ पर ये क्लिप्स मिल जाएंगे, ये मोर शेप के हैं और सिर्फ 50 रुपीज़ के हैं। इस टाइप के आपके स्टोन्स में क्रैचर्स मिल जाएंगे, और आपको इस टाइप के यहाँ पे छोटे छोटे स्टड्स मिल जाएंगे। ये 10 रुपये का एक पत्ता है और इसके अंदर 6 पीस हैं। तो ये कुछ अप्रॉक्स आपको शायद 1.25 रुपये का पड़ेगा मे भी, हाँ, क्योंकि मुझे यही लग रहा है। बाकी इसमें ना आपको बहुत सारे डिज़ाइंस और कलर्स मिल जाएंगे, मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये वाले। इसके अलावा आपको यहाँ पे ना एयरिंग्स की तो मतलब भर भर के वैरायटी मिलने वाली है। अगर आप एयरिंग्स ढूंढ रहे हैं तो आप एक बार रूही मंडी ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको यहाँ पे एयरिंग्स बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस पर। अब आप सोचिए 2 रुपये का एयरिंग आपको कहीं मिलेगा, सरोजनी नगर में भी नहीं मिलता 2 रुपये का एयरिंग। तो बाकी आपको यहाँ पर ये इस टाइप के मिल जाएंगे, ये मीडियम साइज़ में है, ना बहुत लंबे हैं ना छोटे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। 30 रुपीज़ से भैया के पास जो स्टार्टिंग है। और जो आपको ये गोल वाले स्टड्स दिख रहे हैं ना, सेम मैंने मीशो पे देखे हैं, सेम स्टड्स हैं। हाँ, भैया के पास रिंग का सेट नहीं है, रिंग नहीं है इसमें, ओनली एंड ओनली स्टड्स हैं। और ये वाले स्टड्स का जो सेट है मैंने 150 रुपीज़ का मीशो पे देखा है, और भैया से मुझे 20 रुपीज़ का बता रहे हैं, और भैया तो एक देने के लिए भी एग्री हैं। तो मतलब मीशो से भी आधे रेट में आपको यहाँ मिल जाएंगे इयरिंग्स। और ये सारी रिंग्स हैं, हाँ, रिंग्स इसके अंदर ना जैसे 12 है, 24 है, इस टाइप से दी हुई हैं। तो अगर कुछ किसी को अपनी शॉप पर चाहिए बेचने के लिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं, बट हमारे किसी पर्पज़ की नहीं होती है इतनी सारी रिंग्स का, हम क्या करेंगे। और आपको ना यहाँ पे सारी ट्रेंडिंग एयरिंग्स और ज्वेलरी मिलेगी, जो आपको मीशो से ना आधे रेट में यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए मतलब इतनी सारी वैरायटी है यहाँ पर, और बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे कलर्स मिल जाएंगे। ये सेम झुमकियाँ मेरे पास ऑलरेडी है ब्लैक शेड में, क्योंकि ये थोड़ा पुराना डिज़ाइन है, बहुत पहले चलता था ये, तो मैंने ये मे भी सरोजनी नगर से शायद 100 रुपीज़ की झुमकियाँ ली, और भैया 50 रुपीज़ में दे रहे हैं। और देखिए ये वाला भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इन भैया के पास ना बहुत ही अच्छे नेक पीसेज हैं, और इसके साथ भैया के पास जो एयरिंग्स और टीके वाले होते हैं वो भी है, 50-60 रुपये के ऐसे हैं। अगर आप ज़्यादा पीस लेते हैं तो भैया कम लगाएंगे, अगर एक पीस लेते हैं तो वो 60-70 इस रेंज के आते हैं, अलग अलग प्राइजेस के हैं। बाकी भैया के पास ना कमरबंद भी हैं और जो बाजूबंद होते हैं वो भी हैं। तो आज मैं आपको जो मेन रूही मंडी में लाई हूँ ना, यहाँ पे आपको सारा ज्वेलरी और हेयर एक्सेसरीज़ का सामान मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियन वेयर के साथ पहनने के लिए इयरिंग्स मिलेंगे, देखिए वेस्टर्न के साथ भी पहनने के लिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे ये बैंगल्स मिल जाएंगे, प्लेन में भी मिल जाएंगे, कलर में भी हैं, और कड़े जो होते हैं ना 2 पेयर वाले वो भी मिल जाएंगे। इन भैया के पास बहुत ही अच्छी ना क्लिप्स मिल रही थी, तो ये ऐसी क्लिप्स मैं यूज़ नहीं करती, मगर मेरी मम्मी या मेरी मदर इन लॉ यूज़ करती हैं तो मैं उनके लिए लेती हूँ। तो ये भैया 50 रुपये के 6 दे रहे हैं, और ये वाले 30 रुपये के, यानी 10 रुपये का एक। और जब मैं अपनी लोकल मार्केट से ख़रीदती हूँ ना तो ये 20-30 रुपये का आता है। और आप इसके अलावा आपकी अगर बेटी है तो आप उनके लिए इस टाइप के यहाँ से ना टिक टैक वाले पिंस ले सकते हैं, ये सारे पार्टी वेयर हैं। हाँ, आपको पूरा एक कार्ड लेना पड़ेगा, ये पूरा कार्ड मिलता है ये, बट हाँ बिलीव मी जितना आप बाहर लोकल मार्केट से लेते हैं उससे भी आपको ये हाफ से हाफ प्राइस में ये यहाँ मिलते हैं। और बहुत सारी वैरायटी है, डिज़ाइंस हैं,
और इसके अलावा आपको यहाँ पर ऐसी ना वेडिंग में पहनने के लिए भी ज्वेलरी मिल जाती है। ये सारे ना टीके और इयररिंग्स वाले सेट हैं, इसके अंदर बड़े बड़े इयररिंग्स हैं और सेट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इस टाइप की झुमकियाँ मिल जाएंगी, जो कान से पीछे जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डोरी बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं उसकी, उस टाइप की मिल जाएगी। बाकी आपको यहाँ पे ये जंग ज्वेलरी भी मिल जाएगी। पहले मुझे लगता था शहर में इस टाइप की ज्वेलरी नहीं मिलती, बट हाँ एक दो भैया के पास रखी थी। उसके अलावा आपको यहाँ हेयर बैंड्स मिल जाएंगे, जो डब्बे वाला हेयर बैंड का डब्बा है वो 30 रुपये का है, और जो पैकेट में वाइट रेड और ब्लैक कलर की है वो 30 रुपये का है। तो उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं पसंद आई, क्योंकि मुझे लेना है तो मैंने डब्बे वाला लिया है, वो 30 रुपये का दिया। अब बाकी आपको यहाँ नेल पेंट्स मिल जाएंगे, सारी नेल पेंट 10 और 20 रुपये की है, इससे ज़्यादा की कोई नेल पेंट नहीं है। और देखिए आपको इसके अंदर कलर्स कितने सारे मिलेंगे, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा बट बहुत सारे कलर्स हैं। और ये सारे स्टड्स हैं, पहले मुझे लगा शायद जो कार के ना व्हील्स होते हैं ना, जो बच्चे कार्स खेलते हैं उसके व्हील्स होते हैं नीचे वाले, मुझे वैसे लग रहे थे। जब मैंने पास से जाके देखा तो ये छोटे छोटे स्टड्स हैं, बिल्कुल जैसे आपका कान में ऊपर दो या तीन आपने छेद करा रखे हैं ना, तो उसमें आप इसको पहन सकते हैं, इतने छोटे इयररिंग्स हैं। बाकी आपको यहाँ ये जूड़ा मिल जाएंगे, जूड़ा पिन मिल जाएंगे, जो जैसे हम पार्टी में जैसे जूड़ा बनाते हैं ना, उसके पीछे लगाने के लिए भैया के पास स्टार्टिंग 30 रुपये से हो जाती है। बाकी ये जूड़ा की क्लिप्स हैं जो आप लगा सकते हैं, जो हमारी मोस्टली मम्मियाँ लगाती हैं, हम भी लगाते हैं। और सच में इतनी सारी वैरायटी है भैया के पास, मैं आपको क्या बताऊँ, 20, 30, 50 रुपये से स्टार्टेड हो जाती है। अलग अलग प्राइस है क्योंकि डिज़ाइंस भी अलग अलग हैं और कलर्स भी अलग हैं। उसके बाद आई थिंक ये मुझे ना सबसे बेस्ट लगा भैया के, क्योंकि इन भैया के पास ना सच में इतनी सारी मतलब वैरायटी है और इतने सारे सुंदर सुंदर झुमकीज है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं देख रही थी और मैं देखिए मैं सोच रही थी कि मैं इसमें से कौन सा लूँ, मुझे ना सारे ही अच्छे लग रहे थे। इवन जो वो पिंक वाला है ना जिसपे सिल्वर हो रखा है, ये वाला ना मुझे पता है बहुत पसंद आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और भैया ने सिर्फ 80 रुपीज़ का बताया, ये भी सिर्फ 80 रुपीज़ का है। और ये वाले ना मैंने ऑनलाइन भी बहुत देखे हैं, ये मतलब इन भैया के पास तो ना इयररिंग्स की इतनी सारी वैरायटी है और इतने सुंदर सुंदर इयररिंग्स हैं ना, आपको ऑलमोस्ट सब कलर्स में यहाँ मिल जाएंगे। और ऑलमोस्ट साइज़ सबका सेम है, मीडियम साइज़ है। इसके अलावा उसी के जस्ट सामने ही यहाँ पे ये बैंगल्स मिल रहे हैं, ये 60, 70, 80 रुपीज़ के इसके अंदर मिक्स हैं, तो आप देख के पसंद करके ले सकते हैं क्योंकि इसमें डिज़ाइंस भी अलग अलग है। उसकी के जस्ट बगल में ये सारी हेयर एक्सेसरीज हैं, जो रबड़ बैंड्स होते हैं वो हैं। रबड़ बैंड्स के आप सोचिए आपको एक ही पे इतनी सारी वैरायटी मिल रही है, देखिए कितने सारे हैं। बट हाँ आपको पूरा एक बंच लेना पड़ेगा, जैसे एक बंच में 12 हैं तो आपको पूरे 12 ही लेना पड़ेगा, और जो छोटी वाली रबड़ बैंड है उसमें 24 है तो आपको पूरी 24 ही लेनी पड़ेंगी। जस्ट उसी के बगल में ये भैया के नेक पीस लगा रखे हैं, भैया के पास 60, 70, 80, 90, 100, 150 रुपये तक का सेट है। और मतलब ये सच में सेट मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि आजकल एक सौ चोकर भी चल रहे हैं, तो आपको ना यहाँ चोकर की तो ना ह्यूज वैरायटी मिल जाएगी। और उसके बाद ये देखिए सुंदर से इयररिंग्स है ना, कलर कितने सुंदर से लग रहे हैं, ऊपर एक बड़ा सा पल दिया हुआ है और इसके अंदर कलर्स है, 4-5 कलर्स है, वो आपको मिल जाएंगे। उसी के जस्ट बगल में हम फिर से आ गए हेयर एक्सेसरीज की ही दुकान पर, जो भैया के पास हेयर एक्सेसरी जो फ्लावर्स वाले होते हैं ना, जो हम सिंगल एक फ्लावर लगा लेते हैं अपने जूड़े के अंदर, वो भी आपको भैया के पास मिल जाएंगे। और जो फैंसी वाले होते हैं वो भी मिल जाएंगे। और जब हम जूड़ा बनाते हैं तो जो बीच में बड़ा वाला बन लगाते हैं ना, उसका भी पूरा पैकेट है, बट हाँ पूरा पैकेट ही लेना पड़ेगा उस। और उसी के जस्ट बगल में भैया के पास बहुत सारे क्रैचर्स मिल जाएंगे, हर साइज़ के कलर्स के हैं, प्रिंटेड भी है, सॉलिड भी है। उसकी थोड़ी सी दुकानें आगे हम जाएंगे तो आपको ये चूड़े मिल जाएंगे, जो यहाँ पर 100 रुपये से इसकी स्टार्टिंग होती है। ये तो आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएंगे, जब आप सदर पे एंट्री लेंगे ना, कुतुब रोड पर आएंगे तो ये सब भी आपको ये सब चीज़ें तो वहाँ पे भी मिल जाएंगी। ये 30 रुपये का कड़े का सेट है, कोई भी लीजिए, साइज़ इसमें जो आपको दिख रहे हैं यही सारे साइजेस है, इसी में आपको अपने साइजेस ढूंढ के लेने हैं। 30 रुपये का है, वैसे ये नॉर्मल मार्केट में शायद 40 से 50 रुपये तक का आ जाता है।
उसके अलावा आपको यहाँ पे ये रिंग्स मिल जाएंगी, जो पेयर हस्बैंड वाइफ की जो होती हैं वो वाली रिंग मिल जाएगी। और ये ना मुझे सबसे क्यूट लगी, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो जैसे हस्बैंड्स के लिए छल्ला होता है या रिंग होती है वो वाली है। और भैया की शॉप पे ना मुझे ये ब्रेसलेट्स भी ना बहुत अच्छे लगे, कड़े शेप में है ये, और ये मुझे सिल्वर और गोल्ड दोनों में ही और बहुत ही सुंदर लगे। और जस्ट भैया के बगल में ही ना इयररिंग्स की दुकान है, इन भैया के पास ना 10 रुपये से इयररिंग्स की स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद 20-30 है। और एक्चुअली जो एक पीस लेता है भैया उसके हिसाब से उनको रेट बताते हैं, और जो होलसेल में रहते लेते हैं उनके लिए अलग होते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ बैक पिन भी बहुत सारी मिल जाएंगी, इसमें 6 का सेट है, और ये भी ना बहुत सुंदर बैक पिन्स हैं। उसी के जस्ट बगल में है भैया के पास साड़ी पिन है, साड़ी पिन 6 का सेट है, ऊपर वाली भैया बता रहे हैं 50 रुपये की है डब्बा, मतलब 6 पिन, और जो नीचे वाली है वो 30 रुपये की है। और इसमें ना आपको एक डब्बे के अंदर, मतलब जैसे आप 6 लेंगे तो उसको उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे। इन भैया के पास ना इयररिंग्स की जो वैरायटी है वो मतलब जैसे हम कॉलेज जाते हैं या हमें डेली वेयर में पहनने के लिए चाहिए ना, उस टाइप के हैं, हल्के हैं बहुत ही, मगर 10 रुपये से स्टार्टिंग है, तो आप डेली में स्टार्ट पहन सकते हैं। उसके अलावा आपको इस टाइप की यहाँ पर लटकन मिल जाएगी, ये कुशन वाली लटकन है, मुझे तो बहुत सुंदर लगी। अगर आपको अपने लहंगे पे लगाने के लिए लटकन आप ढूंढ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे लटकन की भी ना अच्छी खासी वैरायटी मिल जाएगी। और सच मानिए इतने सस्ते में ना आपको किसी भी मार्केट में नहीं मिलती है जितनी सस्ते में आपको यहाँ लटकन मिल जाएगी। आप सुबह 6 से 10 बजे वाली ये पटरी मार्केट लगती है सदर बाज़ार में, आपको ईज़िली यहाँ पर ये सब सामान और वो भी अच्छे खासे प्राइस में मिल जाएगा। बाकी हेयर एक्सेसरीज़ हैं और गले के सेट हैं भैया की दुकान पे, थोड़े से ना मुझे एक्सपेंसिव लगे कंपेयर टू जो अदर यहाँ मार्केट्स हैं ना उनके कंपैरिजन में। बाकी मुझे अयांश के लिए एक माला लेनी है, क्योंकि उसके स्कूल में जन्माष्टमी का फंक्शन है ना, तो मैं ये माला ही देख रही हूँ, ये ना बहुत अच्छी है। और मैंने 3 लेयर वाली, जैसे ये माला आपको दिख रही है 3 लेयर वाली है, ये सिर्फ 50 रुपये की है। उसी के जस्ट बगल में आपको ये रिंग्स का यहाँ पर कलेक्शन मिल जाएगा, 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, इस रेंज की ये सारी रिंग्स हैं। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, डिज़ाइंस मिल जाएंगे, और सिल्वर गोल्डन दोनों में मिलेंगे। बाकी आपको ये रबड़ मैट मिल जाएगी, जो ये पफ वाली सॉफ्ट वाली होती है ना, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मुझे लगता है इनके जो अंदर की जो लास्टिक है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आपको ये वाली यहाँ रबड़ बैंड मिल जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत क्यूट लगती है, एकदम बहुत ही बढ़िया लगती है। बाकी आपको इस टाइप की जो क्रंचीज़ होती हैं वो भी यहाँ पे पूरा पैकेट मिल जाएगा। ये टिक टैक वाली पिंस मिल जाएगी, फैंसी वाली, ये नेल पेंट है, 20 रुपये का एक नेल पेंट है, मुझे इसमें कलर्स खास पसंद नहीं आए, थोड़े रेडिश या मतलब जो टमाटरी कलर होता है ना उसी में सारे हैं, तो मुझे ये पसंद नहीं आए। बाकी भैया के पास ना लिपस्टिक्स के तो इतने शेड्स हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, ओ गॉड इतने सारे शेड्स हैं, और देखिए बहुत ही सुंदर है, मतलब और इनकी पैकेजिंग भी ना इतनी मस्त लग रही है ना, जैसे एक अच्छे खासे जो ब्रांड होता है ना, जो उसकी पैकेजिंग होती है ना, उस टाइप की पैकेजिंग है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो बस मेरा वीडियो आज का इतना ही था, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।